अब ये हनीमून क्या एक ही महीना के लिए ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद आप अपने पारिवारिक मामलों में व्यस्त हो जाओगे, बोलो हाँ कि ना, समझ मारे कि नहीं, नहीं पक्का। गरीब घर के लोग, रात खत्म हुआ डीजे लग पैसा दो, टेंट वाला को पैसा दो, पत्री उधार लाया था उसको पत्री के पैसे जमा करो, गिलास वहां दो चार लड़का लेके भाग गया उसको संभालो, तो लोग ही लड़के खुद लेके भागी होगी। जिसको जिसको अपना याद आता होगा वो प्योर जान जाता होगा क्या बात है। यहाँ तो मैंने एक ए, एक पीस के लिए लोग एकदम मार काट कर देता है जी, आप समझ रहे हो मैं किस पीस की बात कर रहा हूँ। बारात में दंगा होना फिक्स है। तो इस प्रकार ये हनीमून की सब उत्पत्ति जो हुआ वो बाबू ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन के बाद ये इंडिया में ढेर प्रचलन हो गया। लोग हमारे यहाँ श्रीनगर नहीं है क्या, तो क्या पढ़ेंगे? यूरोप चल रहा है, यूरोप अब लास्ट होगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यूरोप में हम लोग पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। किसके बारे में आप लोग सारे बोलो? स्विट्जरलैंड के बारे में। आप लोग मैप जरा सा खोल लो, है ना, ताकि आप लाइव माने देख सको कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। आई होप आपकी आप लोग पास जरूर होगा। अच्छा है ना, हमको लगा नहीं है का। चलो बाबू लोग एक साथ बताते चले जाओ एक बार फट से। यूरोप के लिए शुरू में क्या था? स्कैंडिनेवियाई देश। कौन सा देश बाबू लोग? स्कैंडिनेवियाई देश में कौन देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, चार हो गए। आप चले आओ तुम्हारा वो बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में तीन देश कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना। और उसके नीचे है किलिमिनग्राड। क्या है? उसके ठीक नीचे पर है, ठीक हो अल्पना? ठीक हो पक्का? देखो तुम्हारा नाम आ गया, फेमस हो गए तुम। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब सारे छुट छाट हो तो इधर आ जाओ, ठीक है, हाँ कंट्रोल में बैठो, ठीक है। तो आया ना, तो किलिमिनग्राड के नीचे क्या बाबू? पोलैंड। क्या है? पोलैंड। अब पोलैंड के नीचे क्या है? अगर मैं ये स्कैंडिनेवियाई देश इधर चार खत्म कर दिया, उसके बाद यहाँ है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में तीन देश, कितने देश बाबू? तीन। यहाँ स्कैंडिनेवियाई में कितने हैं? तीन। और ये बाल्टिक सागर में कितने हैं? तीन। ये चार है, ये तीन है, मतलब चार बोल देना है ना, कहीं तो होना चाहिए। ये चार और ये तीन, ठीक है। इसके नीचे क्या? किलिमिनग्राड। और ठीक इसके साथ में यहाँ पर ये क्या सर बाबू? ये है पोलैंड। क्या है ये? पोलैंड। पोलैंड के इधर साइड क्या बाबू लोग? ये है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। और जर्मनी के फिर इधर कौन सा है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। उसके बाद ये कौन सा इलाका है? स्पेन। और स्पेन का आप देखिएगा, ये फ्रांस और इसके बीच में एक पर्वत है, है ना, कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत, है ना, पिरेनीज जो माउंटेन है वो है। और यहाँ पर मिलेगा आपको एंडोरा। यहाँ इस पहाड़ के ऊपर है, यानी पिरेनीज पहाड़ के ऊपर है एंडोरा देश। कौन सा देश? सारे बोलो एंडोरा देश। और ये फ्रांस, ये देख रहे हो, ये फ्रांस के इधर साइड में, यानी ये जब चला था तो यहाँ पर मिलेगा आपको मोनोको। क्या मिलेगा? मोनोको, है ना। अब आगे बढ़ो, ये फ्रांस के साथ में इधर एक और देश सटा हुआ जिसको कहते हैं इटली। क्या बोलते हैं बाबू लोग? यही है ना, इटली है, ठीक है। और इटली वगैरह हो चुका था, लास्ट में थोड़ा सा ये बचा था कि इटली के ठीक नीचे आपका भूमध्य सागर हो जाता है कि नहीं। और इटली के बाद देखिएगा इधर एक सागर है, ये देख रहे हो, इधर सागर है, खाली इधर होगा, पानी होगा इधर, है ना, है एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। और उसके बाद देखिएगा इधर पूरा जमीन है, इधर फिर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा कोई कोई देश, ठीक है, मैं बताऊंगा सारा क्या क्या है। और इसके बाद इधर मिलेगा आपको काला सागर। क्या मिलेगा आप लोग? काला सागर है कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, तो ये काला सागर, उसके बाद जमीन, फिर ये एड्रियाटिक सागर, और ये हो गया आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर बाबू लोग? है ना, चलो ठीक है, ये भूमध्य सागर वाला इलाका हो गया। और मैं ये सब कुछ बता चुका था, राइट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये फ्रांस और स्पेन के ऊपर में, यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर जगह खाली होगा जिसको कहते हैं
या ये देश हो जाएगा आपका कौन सा, ये देश हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। कौन सा है बाबू लोग, कौन सा देश है? आप देखिए, ये इटली के ऊपर मिलेगा आपको ऑस्ट्रिया। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया ठीक बगल यहाँ कोना में मिलेगा क्या? स्विट्जरलैंड। क्या मिलेगा बाबू लोग, जोर से बोलो, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। कहाँ पर है बाबू लोग? बर्न। तो हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, अब यहां पर आराम से लिखेंगे, ठीक है? स्विट्जरलैंड, ठीक है? जिसके पास थोड़ा पैसा है ना, वो भारत में हनीमून मनाएगा, हाँ कि ना? मैं गलत कह रहा हूँ? आप देखना, मैंने थोड़े से जो हाई क्लास के लोग हो जाते हैं, उन लोगों को भारत में घूमने की जगह ही नहीं है, भारत बेकार है उन लोगों के लिए, बोलो हाँ कि ना? yes, समझ रहे हो? कोनो एक बार तो गजबे ट्रेंड चला था, अगर लड़का लड़की ब्याह हो गया तो जाएगा हनीमून मनाने के लिए कहाँ? स्विट्जरलैंड। कहाँ जाएगा? मैं देखो शर्मा रही है, अरे हाँ ठीक है, गोवा है तो क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? और जो साधारण फैमिली से है उनको अपना भी रूम नहीं मिलता, वो वेट करते कब रिश्तेदार वाले लोग जाएंगे, समझ मारे कि नहीं? बाकी दुनिया इधर से उधर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हंस रहा है लड़का, देखो तोरे साथ ऐसा हुआ था क्या रे? कोई बात नहीं, मिडिल फैमिली वाले लोग अपने ब्याह में खुद से काम करेंगे और मुंह हो जाएगा एकदम चिरपट जैसा, हाँ कि ना? इधर इधर होठ, उन लोग को कब थोड़ा मेकअप होता है, जब उस सैलून में जाकर बैठेगा कहेगा भैया ब्याह है मेरा, फेस वॉश कर दीजिए, हाँ कि ना? तुम जाएगा स्विट्जरलैंड? हाँ, तो बाबू मेरी बात सुनो, स्विट्जरलैंड में लगभग लोगों को यही माने ये होता है कि वहाँ पर हम जाके हनीमून मनाए। अब ये हनीमून को तुम लोग मतलब अगर गंदे विचार के लोगों तो बातें अलग है, और सही विचार के तो मेरे साथ आओ। हनीमून शब्द की जो उत्पत्ति हुई ब्रिटेन से हुई है 18वीं शताब्दी में। कब हुई है? 18वीं शताब्दी। समझ मारे कि नहीं? समझ मारे कि नहीं? और उससे पहले भी कहा गया था कि ये आपका, ये जो हनीमून का जो शब्द है ये आपका लिया गया था ये सुमेरियन सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया। कौन सा बाबू? मेसोपोटामिया। हाँ मेसोपोटामिया, यस यस यस, वेरी गुड, मेसोपोटामिया। कौन सा बाबू लोग? मेसोपोटामिया। अब ये मेसोपोटामिया को, ये ऐसे मेसोपोटामिया, यहाँ दो नदी है, एक है दजला और एक है फरात। कौन सा बाबू लोग? दजला और फरात, ठीक है, यानी यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, अंग्रेजी में यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला इलाका, ये घास का मैदान है, इधर पहाड़ी और घास दोनों है, तो ये बीच वाला पार्ट बट जाता है, बीच वाला पर पहले आपका आ गया माने कि बेबीलोन आ गया था। क्या आ गया था बाबू? बेबीलोन सभ्यता। कौन सा? समझ मारे कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं समझे? तो ये सभ्यता तब आया जब यहाँ पर वो गाना आया था, डीजे वाला मेरे बाबू गाना बजा दो, यही आया था, बेबी डोलम सोने दी। अब ये सोना कैसे देगा भगवान जाने। रे अंकित ठीक हो रे? स्विट्जरलैंड से इधर आओ, गधा वही है, अब ऐसे करके देखा है, आप समझ रहे हो? तो बेबीलोनिया का जो सभ्यता था वो कहाँ था बाबू? मेसोपोटामिया का एक नीचे साउथ वाला पार्ट था। कोई दिक्कत यहाँ पर? कौन सा पार्ट था? साउथ वाला पार्ट था। तो यहाँ करीब 4000 साल पहले इसकी बात हो चुकी थी कि माने यहाँ लोग जो शादी ब्याह करता है ना, तो ये रिश्तेदार में घुमाने के इन लोग परमान था। जैसे हम लोग में भी देखिएगा, शादी ब्याह हो जाता है तो लोग जानबूझकर जहाँ नहीं गोट लगना वहाँ भी गोट लगाते चलता है, बोलो हाँ कि ना? आ कन्फ्यूज रहता दूल्हा कहाँ कहाँ गोट लगा रहा है, अच्छा कोई छोटा है उसको भी गोट लगवा देता है लोग। तू लगा है? तुरे लगेगा लगेगा लगेगा, तुम्हारा तो बहुत तो रिवाइज हो गया होगा। चलो मेरी बात समझो, आप समझ रहे मेरी बात को? तो बात क्या है बाबू कि ऐसा ऐसा कर्मकांड हुआ करता था, और ये बेबीलोन का जो सभ्यता वो इंडिया से आया था, क्योंकि इंडिया में लोग शादी ब्याह कर के या कहीं भी कुछ आप रिश्तेदार में जाइए, पहले लोग शरबत देता है पीने के लिए, देता है कि नहीं? क्या देता है? सरबत। क्या देता है? सरबत। और पहले बहुत फेमस शरबत हुआ करता था, उस शरबत का नाम होता था दही या गुड़, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर।
या तो बहुत ठंडा है तो लोग माने कि अभी भी घर घर में आपको मधु मिलेगा, क्या मिलेगा, मधु। उसी तरह बेबीलोन में लोग शादी ब्याह जब करते तो उसको एक शहद का माने कि वो दिया जाता था, ड्रिंक शहद का माने छोटा सा, ठीक है। तो उसी से माने कि उसको जो छोटा सा टाइम होता है जब लोग मैरिज कर लिए, मैरिज करने के बाद मतलब समझो ना 15 से 20 या एक महीना समझो, है ना, 1 month समझो, क्या समझो बाबू लोग, 1 month। तो ये 1 month में ही उस समय जो माने कि जो लड़का लड़की होता है, जो कपल्स होते, जो मैरिज कपल होते हैं, वो कपल जो है वो अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सके, अपने को अच्छा से समझ सके, इसके लिए ये हनीमून शब्द आया है। इसीलिए इसे हनीमून कहा गया है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई हनी रहेगा नहीं और कोई मून, बोलो हाँ कि ना, रहेगा क्या, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ये हनीमून क्या एक ही महीना के लिए ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद आप अपने पारिवारिक मामलों में व्यस्त हो जाओगे, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रही कि नहीं, नहीं पक्का। गरीब घर के लोग, रात खत्म हुआ डीजे लग पैसा दो, टेंट वाला को पैसा दो, पत्री उधार लाया था उसको पत्री का पैसा जमा करो, गिलास वहाँ 2-4 लड़का लेके भाग गया उसको संभालो, तो लोग ये लड़के खुद लेके भागी होगी। जिसको जिसको अपना याद आता होगा वो प्योर जान जाता होगा क्या बात है। यहाँ तो माने एक ए, एक पीस के लिए लोग एकदम मार काट कर देता है, आप समझ रहे हो मैं किस पीस की बात कर रहा हूँ। बारात में दंगा होना फिक्स है। तो इस प्रकार ये हनीमून के शब्द उत्पत्ति जो हुआ वो बाबू ब्रिटेन में हुआ, कहाँ पर हुआ है, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन के बाद ये इंडिया में ढेर प्रचलन हो गया, लोग हमारे यहाँ श्रीनगर नहीं है क्या है, और हमको तो लगता है कि अपना फैमिली के साथ जो मजा है हकीकत में वो कहीं और मजा नहीं है, आगे ना। तो ये वो कल्चर इधर लोग चला दिया है फालतू का, वो कोई मतलब नहीं है उसका, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो अब आपको मैं बताता हूँ स्विट्जरलैंड क्या बाबू लोग, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी उसे कहते हैं बाबू बर्न, क्या कहते हैं, सारे बोलो बर्न। देखो मैं छोटा सा यहाँ छाप रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये आपको स्विट्जरलैंड, यहाँ पर मिलेगा आपको बर्न, क्या मिलेगा बाबू लोग, बर्न, ये स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के ठीक ऊपर देखिएगा आप जर्मनी है, क्या है बाबू लोग, है कि नहीं है, yes, है ना। आज जर्मनी में एक नदी थी राइन नदी, कौन सी नदी बताए थे, राइन नदी, कौन सी नदी, कौन सी नदी, राइन नदी थी। और ये राइन नदी जो है वो उधर से यानी कि जर्मनी से होते हुए फिर आपका स्विट्जरलैंड में घुस जाते है, कोई दिक्कत यहाँ पर। पहला नदी कौन हुआ, राइन नदी, दूसरा कौन सा, पो नदी, दूसरा कौन सा, पो नदी, और तीसरा कौन सा, इनयू, वहां नहीं मिलेगा लेकिन है ही यही, डेन्यूब है, अच्छा ठीक है, डेन्यूब नदी, हाँ यस यस यू आर राइट, डेन्यूब नदी, मेरी बात समझे बाबू लोग। डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सा नदी बाबू, नदी, पो नदी, डेन्यूब नदी, यूरोप की सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी, सारे बोलो, सारे बोलो, तो यूरोप की पहला सबसे बड़ी नदी बोल्गा नदी, नहीं नहीं पूरे बोल्गा नदी, हाँ बोल्गा नदी। ये बोल्गा नदी जो बाबू यूरोप और रशिया के बीच में जो दोनों को जलसंधि का काम करता है, ठीक है, बोल्गा नदी, ये यूरोप का सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबा नदी, ये फर्स्ट नंबर हो गया। और दूसरा सबसे बड़ी लंबा नदी, डेन्यूब नदी। विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी, नील नदी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या, जोर से बोलो, मैं फिर दोबारा नहीं करूँगा कि जोर से बोलो, कंठ खुलना चाहिए, अगर कंठ नहीं खुला इसको बंद करूँगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगा फिर। छका जाओगी तेल में, समझ मारा कि नहीं, बोलो, राइन नदी, पो नदी, डेन्यूब नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबा नदी, बोलो हाँ कि ना। देखो बाबू यूरोप, ये स्विट्जरलैंड में एक बैंक है जिसे कहते हैं स्विच बैंक, कौन सा बैंक बाबू लोग, कौन सा बैंक, स्विच बैंक। अब ये स्विच बैंक है क्या, ये स्विच बैंक जो है ये बहुत माने कि यहाँ कोई भी बाहरी वाला भी कोई जाकर के अगर अकाउंट खुलवाएगा ना तो ये बोलेगा स्विच बैंक है। आप देखिएगा भारत के कई सारे भ्रष्ट नेता हैं जिनका अकाउंट स्विच बैंक से है, कौन सा बैंक बाबू, स्विच बैंक से, बोलो हाँ कि ना, ये सुना है कि नहीं, हाथ डाउन रखो, हाथ डाउन रखो,
ठीक है, कहां से बाबू लोग? स्विस बैंक। अभी स्विस बैंक में लोग क्यों जाता है? ये स्विस बैंक यानी स्विट्जरलैंड के बैंक में क्यों जाता है? इसके पीछे खुद कारण है भारत। समझा रहे कि नहीं? भारत में टैक्स इतना हाई है कि जिसके वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होता है। क्या होता है बाबू लोग? मनी लॉन्ड्रिंग। बात समझा रहे कि नहीं? अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझ रहे हो तुम? क्या समझ रहे हो? धोखाधड़ी। क्या बाबू लोग? क्या धोखाधड़ी? आप जानते होंगे कि बहुत सारे देश भारत, क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग डाउन हो, मेरा गलत दुखना स्टार्ट कर दिया, इसलिए तुम लोग डाउन मत रहो। कल 9 वाले इसी तरह हमको परेशान किए, 10th वाले, तब से गला मेरा बैंड बच गया, ठीक है, इसलिए मेरे से ज़्यादा तुम फास्ट रहो। अगर मेरा कहीं डिस्टर्ब हुआ तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर क्लास ले नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए तुम लोग ताज़ा रहो, ठीक। स्विस बैंक कहाँ है? कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब स्विट्जरलैंड में है तो यहाँ पर इसी के वजह से होता मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होता है बाबू लोग? मनी लॉन्ड्रिंग। जोर से बोलो, मनी लॉन्ड्रिंग। इसके पीछे कारण है स्वयं इंडिया। क्या बाबू लोग? स्वयं इंडिया। इंडिया में लगभग जो भ्रष्ट लोग हैं, इन लोग का अकाउंट जो होता है स्विस बैंक में होता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो टैक्स है वो 40% है। कितना परसेंट बाबू लोग? अब तुम एक मेरी बात समझो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, कितना करोड़ है बाबू? 1 करोड़ रुपया है कि नहीं? अब 1 करोड़ रुपया आप कमा लिए, उसमें से 40 लाख रुपया टैक्स ले लेगा भारत, इंडियन गवर्नमेंट। कौन ले लेगा? इंडियन गवर्नमेंट। बचा क्या? 60 लाख। तो इसमें झुंझुना बजाओगे? सोच के देखो, हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? यही वजह से क्या होता है, लोग इंडिया से सीधे पैसा भेजता है नेपाल में। कहाँ भेजता है? तुमको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लोग भागता है पैसा लेकर के। बात समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? अब ई पैसा माने कि इंडिया में, आप कहोगे सर इंडिया में इतना गरीब, माने गरीब तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब हालात सुधर रहे हैं, ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ पैसा कमाने की तरकीब जरूर है। अब मेरी बात समझो, ये जो फील्ड है यानी कि इंडिया से लोग उधर क्यों जाते थे, इसके पीछे कारण है इंडिया स्वयं। और इंडिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को, वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? अगर ये यहीं पर पूंजी बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ पर टैक्स बहुत हैवी देना। बोलो हाँ कि नो? Yes, समझ में आया? इसी वजह से ये सीधा क्या करते हैं, नेपाल से होते हुए फिर यहाँ डायरेक्ट माने कि कहाँ चल जाते हैं? स्विट्जरलैंड। कहाँ चल जाते हैं बाबू? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में मात्र कितना परसेंट देता है? 2%। कितना परसेंट? 2%। अब इसके पास बोलो, 1 करोड़ में से 2 लाख रुपए दे दिया, 98 लाख बचा। Yes, तो इसके लिए 54 हुआ कि नहीं हुआ? और इसी वजह से स्विट्जरलैंड में दुनियादारी के सभी लोग आकर के अकाउंट खुलवाते हैं और स्विट्जरलैंड के पास बहुत ज्यादा पैसा। तुम समझ रहे हो ना? Yes, sir. तुम समझ रहे हो ना? Yes, sir. अगर तुम्हारे पास पैसा की कमी है, तुम गरीब हो, या आप देखिएगा रोड वाले, रोड में जो भिखारी बच्चे होते हैं, या बच्चे नहीं कोई और भी लोग होता है, आपसे ज्यादा पैसा उसके पास है, पूछो क्यों? वो भीख मांगता है, वो 1 रुपये इससे मांगेगा, 1 रुपये इससे, 1 रुपये, 1-1 रुपया मांगेगा। यहाँ कितने लोग हैं? मिल जाएगा ना ढेर सारा पैसा। और सिर्फ यही नहीं, कई सारे गुटों में लेगा पैसा। बोलो हाँ कि ना? तो तुम अमीर हुए कि वो अमीर हुआ? इट इज अ बिजनेस। आज से शुरुआत करो मांगना। अंकित झोला दे दूंगा, ठीक है? नहीं देखो, अरे बाप रे बाप, तो भाई क्यूट है तो कोई दे देगा? तू दे देगी, हमको लग रहा है। दीदी रे, इसको हटा दो, डिलीट मारो ये, ठीक है? ठीक है, अपना लालच देख करके रिश्ता बनाया करो। ऐसा दीदी होता है? ये फुल टाइम उसको मारने की कोशिश करती है, अरे फुल टाइम उसको बचाने की कोशिश करती है, उसको डिलीट, ठीक है? डिलीट हाँ कि ना? हाँ, ताली बजा लड़का के लिए। बस बस बस, इसको बोल तो कह देती डिलीट मार देंगे। वही है भाई, कुछ भी हो, माने सारी खुदाई एक तरफ और जोरी के भाई पूरा दुनिया से भिड़ जाएगा। कौन छेड़ा बे के? हाँ कि ना? भले वो रक्षाबंधन में रसगुल्ला ज्यादा ठूस लेगा, वो अलग की बात है, भले वो रक्षाबंधन में पैसा ना दे, तुम्हें से मार ले, लेकिन भारत का भाई बहुत कमाल के होते हैं। हाँ कि ना? भारत के सभी लोग कमाल करते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, हर कोई हो, या बाप हो। कौन है बाबू लोग? समझ रहा है? दुनिया को कोई चिंता हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर, तुम्हारा बाप कैसा भी कोई मायने नहीं रखता है, वो आ जाएगा सामना, सामने आ जाएगा। क्या बात है? हमसे बोलो, हमसे बोलो जो बोलना है, जबकि उसकी औकात कुछ नहीं है। हाँ कि नहीं? या तुमसे, तुमसे ज़्यादा भी नहीं हो सकती उसकी। समझ मारे कि नहीं?
फिर भी वो कहेगा मेरा बच्चा पर कोई हाथ नहीं उठाएगा या मेरे बच्चा कोई आंख नहीं उठाएगा, बोलो हाँ कि ना। ये बाप होता है, समझ में आ रहा कि नहीं। और हर मुसीबतों को फाड़ के तुमको बचा देगी, उसे माँ कहते हैं। ये भारत में ही संभव है, विदेश में लोग तो दूसरे को दे देते दूध पिलाने के लिए। तो हमारे यहाँ मशहूर डायलॉग भी तो है ना बाबू, क्या माँ का दूध पिया तब सामने आओ। उस बात पर साला कितनों ही निकम्मा आदमी रगा जाएगा, आओ आगे ना। आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। भारत में, विदेश में किसी को माँ का दूध पिया आ गया, ओके बेबी, समझ आ रहा है। उधर फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं फीलिंग नहीं है, फीलिंग बट ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा है। हमारे पास कुछ ज्यादा है क्योंकि हम इंडिया वाले हैं। कौन वाले हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग, समझ में आ गया आप लोगों को। अब मनी लॉन्ड्रिंग के ठीक आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ का एक यहाँ पर शहर मिलेगा। शहर का नाम लिखो, जानेवा, जिनेवा मिलेगा, जिनेवा, हाँ जिनेवा में। देखो ऐ सुनो, यहाँ पर ऐसे करके देख रहे हो, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर है ये आपका दूसरा, यानी कि आपका फ्रांस में लिखा होगा आपका जिनेवा, यहाँ लिखा होगा ये, यहाँ पर क्या बाबू लोग, ये कौन सा इलाका है, जिनेवा, कौन सा है बाबू लोग, और यहाँ पर सारे संगठन है जिसको कहते हैं मुख्यालय। देखिए असल में आपको पता है वारसाय की संधि हुई थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था ना। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार फिर, माने कि ऐसा वार फिर कभी दोबारा ना हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी की गई थी जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन। क्या कहते हैं बाबू लोग, यानी जिसको कहते हैं यूएन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या फिर दोबारा युद्ध नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, तो क्या ये यूएन फाइल हुआ कि नहीं। तो यूएन का मुख्यालय कहाँ था, जेनेवा, जेनेवा यानी कहा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, सारे बोलो स्विट्जरलैंड। जितने भी वर्ल्ड लेवल के हेड क्वार्टर्स है वो सब कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है बाबू लोग, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये है यूएन, क्या बाबू, यूएन। अब जब ये फेल हो जाता फिर बनता है ये यूएनओ, क्या बनता है बाबू लोग, क्या बनता है, यानी यूनियन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो सारे, जो यूएनए में अभी कम से कम 193 देश इंक्लूड है, कितने देश, 193। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बात बात में तुम लोग के लिए अच्छा ही रहेगा, समझ में आ रहा कि नहीं। कितने देश, 193। याद रखोगे, यस सर, चलो ठीक है। तो देखिए बाबू लोग, ये आपका बना था 1920 में, कब बना था, 1920 में। कहां पर बना, जेनेवा में, कहां पर बना, जेनेवा में। और इससे पहले यानी कि ठीक 1918 में युद्ध खत्म हुआ, yes, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 18 तक, सारे बोलो 1914 to 18। अब 18 खत्म हुआ तो फिर हुआ 19। अब 19 के बाद फिर क्या था बाबू, यहां पर एक संधि होता है और संधि के बाद फिर यहां यूएन का गठन किया जाता है 1920 में, इसलिए ताकि फिर ऐसा युद्ध ना हो, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चांसेस बहुत कम हो, इसलिए बोले थे। तो अभी यूएनओ कहाँ है बाबू, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए, कहाँ है बाबू लोग, यूएसए, है ना, समझ में आया, यस सर, समझ में आया कि नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूँ संगठनों का मुख्यालय, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, संगठनों का मुख्यालय, संगठनों का मुख्यालय, यानी कोई भी इंटरनेशनल लेवल का मुख्यालय हो वो कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, कहां मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दूसरा अगर आपको कहें तो व्यापार के लिए, व्यापार मतलब क्या, ट्रेड, क्या बाबू लोग, क्या मिलेगा, ट्रेड, ट्रेड के लिए। और फिर क्या कहता है, ट्रेड के बाद फिर तुम्हारा हो गया स्वास्थ्य के लिए, नहीं हेल्थ के लिए, क्या बाबू लोग, समझ में आ रहे कि नहीं, कोई समस्या यहां पर। अब आप देखो इधर क्या लगा दो, वर्ल्ड, और ये इधर ऑर्गेनाइजेशन, ऐ समझ रहे हो, वर्ल्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बोलो हाँ कि ना, बोलो WTO हुआ, हुआ कि नहीं, तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। जोर से बोलो, स्विट्जरलैंड। समझ में आया कि नहीं? yes, स्विट्जरलैंड में कहाँ? जिनेवा। कोई दिक्कत यहाँ पर? no, उसके बाद अब बोलो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ कहाँ पर है? समझ में आ रही कि नहीं? यानी इसी को कहते हैं WHO। क्या कहते हैं बाबू लोग? समझ में आया? यही WHO के अनुसार जितना भी दवाई वगैरह है जो भी कुछ वो प्रमाणित करेगा तभी आप बेच सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, ये है तरीका। जेनेवा समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलोगे तो नहीं? चलो ठीक है, आपको ट्रिक क्या दे दिया जाए। अगर W सुनो और W और O के बीच में अगर कुछ भी रहे है ना, आपको हेड क्वार्टर पूछ देगा, क्या मारोगे? स्विट्जरलैंड का? स्विट्जरलैंड का जेनेवा। याद रहेगा? यस सर। कोई समस्या? नो सर। चल ठीक है, देखिएगा दाबोस शहर होगा वहां पर, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं। जेनेवा आपको समझ में आ गया? यस सर। अब दाबोस शहर है, कौन सा शहर बाबू लोग? दाबोस। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। वो दिखेगा नहीं, ये सब मैप में नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम होता है, ठीक है। दाबोस शहर, बोलो सारे लोग, दाबोस शहर। अब ये दाबोस शहर का क्या बात है बाबू? काबुल। हाँ सुनो, देखो वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैं मेरी बात समझो, देखो दाबोस में विश्व का इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए मुख्यालय बनाया गया है और यहां बैठक होता है। समझ मारे कि नहीं? यानी कि पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिकल कंट्रोल करने के लिए दाबोस शहर में हमेशा मीटिंग होता है, यहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। कोई दिक्कत यहां पर? जिस तरह आपका घर का कंट्रोल आपके माता और पिता करते हैं, माँ करती है, कमाने का काम एक्सटर्नल अफेयर किसका, यानी विदेशी काम किसका है? पापा का। और घर का काम किसका है? माँ का। समझ में आ रहा कि नहीं? उसी प्रकार देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ जाते हैं? बार बार। कंट्रोल कौन करता है? वित्त मंत्री। और सौभाग्य देखो वहां पर भी माँ है। कौन है बाबू? यानी औरत है, यानी नारी है, यानी कि निर्मला सीता, निर्मला सीता, चाहे देश हो या घर हो, हम लोग इस सबसे पीड़ित हैं। समझ मारे कि नहीं? समझ मारे कि नहीं? और गृह मंत्री, क्या बोलो? गृह मंत्री। तो इन वित्त मंत्री का जब भी बैठक होगा तो यानी कि ये दाबोस जाएंगे। कौन जाएंगे बाबू लोग? दाबोस। और यहाँ पर रिपोर्ट आएगा कि कौन सा, आप देखते होंगे कभी कभी कि इकोनॉमिक्स में या पैसा में ये देश ऊपर चला गया, ये देश नीचे चला गया, है ना? तो यही से ये रिपोर्ट आता है। कोई दिक्कत बाबू लोग? चलो फटाफट पूछता हूँ, बोलो WHO का संगठन कहाँ है? ठीक है, WTO का? UN का? जेनेवा। जेनेवा बोलो, बोलो। UNO का? UNO का न्यूयॉर्क। कहाँ पर बाबू लोग? याद रहेगा? हाँ। WEO का? वर्ल्ड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का? दाबोस, यानी कहाँ? स्विट्जरलैंड, है ना? बोला करो साथ में। देखो एक बोलने से, अगर आप जिंदगी में क ख नहीं बोले होते जोर जोर से तो क्या हिंदी पढ़ पाते? अगर ए बी सी डी जोर जोर से नहीं बोलते तो क्या पढ़ पाते? उसी तरह जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ अगर उसको आप कंठ खोल करके, अगर आप यानी वोकल कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे बोलने में, आप सुन तो रहे हो लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करोगे बोलने में तो आपका ये ग्लैंड में सेट हो जाएगा। समझ मारा कि नहीं? और ये याद रखने, आप बोलो क जिंदगी भर भूलोगे क्या? आप दूसरा भूल जाओ, क ख नहीं भूलोगे, बोलो कि ना? क्यों? क्योंकि ये इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, बोल बोल के मिटे सा भी ना मिटेगा, मिट जाएगा क्या? अरे तुम कब भूल जाओ? बोलो लातविया का कैपिटल? ताली। जर्मनी का? अच्छा चलो याद है। नॉर्वे? अरे लड़की ताली बजाए इसके लिए, क्या बात है, गलत जगह चल गए, सब बता देती है, हट चलो आगे चलो। हो गया रे बाबू लोग? कोई समस्या यहाँ पर? चलो अब
अरे तुम लोग ठीक हो रहे? क्या पकवान पका रहे हो? मैं भी हूँ। ऑस्ट्रेलिया माने कि क्या नाम था उसका? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ऊपर में यानी बगल में आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रिया। जोर से बोलो ऑस्ट्रिया। सारे बोलो ऑस्ट्रिया। मिला ना?